दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर कई देशों में शोध हो रहा है, तो वहीं पहले से उपलब्ध दवाओं का भी कोरोना के इलाज के तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको ऐसे ही एक पुराना इलाज जो कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए हर दिशा में काम चल रहा है। कुछ दवाएं ट्रायल में फेल साबित हो रही हैं, तो कुछ दवाओं के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक कमाल का असर केरल के डॉक्टर पीपी देवन ने दिखाया है। डॉक्टर पीपी देवन ने जिंक और गर्म पानी के जरिए कोरोना का इलाज किया है और इन दिनों वो इस इलाज के तरीके से चर्चा में बने हुए हैं। अपने इस इलाज के तरीके से डॉक्टर देवन 7 कोरोना मरीजों को वायरस की गिरफ्त से आजाद कर चुके हैं। डॉक्टर देवन कहते हैं कि शरीर में जिंक का लेवल ठीक रहे तो वायरस का संक्रमण असर नहीं कर पाएगा। हर दिन शरीर में 40 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। देशवासी अगर जिंक को अपने खाने में शामिल कर लें तो कोरोना वायरस या इस तरह के किसी अन्य फ्लू या संक्रमण से बचाव हो सकता है। दरअसल पपीते और तरबूज के बीज का पाउडर चावल के साथ खाएं। जिंक से भरपूर अखरोट का सेवन करें। डार्क चॉकलेट अनानास का भी सेवन किया जा सकता है। जिंक और आयरन की गोली भी ली जा सकती है। डॉक्टर के परामर्श से ही दवा लें। हफ्ते में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। कोरोना के इलाज का उनका यह तरीका सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वाकई जहां एक तरफ दुनिया के पावरफुल देश युद्ध स्तर पर वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं, इस दिशा में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसे में मर्ज का ये पुराना इलाज सफल रहता है तो कोरोना से मरीजों को निजात बहुत आसानी से दिला सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।